हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे सीओबी स्पॉट की इन्फॉर्मेशन। सीओबी स्पॉट एक तो लगती कहाँ है, उसका यूज़ क्या है, और सीओबी स्पॉट लगाने से घर में क्या है, किस तरह की लाइट आपको मिलेगी। तो आज सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। प्राइस रेंज उसकी क्या होती है, काफ़ी ऑप्शंस अभी मार्केट में आ चुके हैं और काफ़ी कन्फ्यूजन है उसमें भी। मतलब तो वीडियो को एंड तक देखें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप ये देख सकते हो, ये अभी आपके सामने मैं आपको एक 3 वॉट की स्पॉट दिखा रहा हूँ। ये 3 वॉट की स्पॉट्स है। 3 वॉट की स्पॉट्स में आपको सेंटर में मूविंग ऑप्शन मिलेगा, आप देख सकते हो जो मूव हो रही है। सेंटर में मूविंग ऑप्शन भी मिलेगा, अगर आपको मूविंग ऑप्शन नहीं चाहिए तो सेंटर में आपको वो भी ऑप्शन मिल जाएगा। आप ये देख सकते हो, इसके साथ एक छोटा सा ड्राइवर अटैच होता है जो 3 वॉट का है, तो साइज़ इसकी छोटी आती है। आप ये देख सकते हो, जनरली इसकी यूज़ आपको, अगर आपका लिविंग रूम है तो लिविंग रूम में अगर आपने 4 से 5 पैनल लाइट लगाई है, 6 पैनल लाइट लगाई है, तो उसके जो कॉर्नर्स के पार्ट्स जो होते हैं, तो कॉर्नर्स के पार्ट्स में सीओबी स्पॉट लगाई जाती है। कि अगर रात के टाइम में अगर आपको पैनल लाइट उतनी ब्राइट लाइट यूज़ नहीं करनी, जैसे पैनल लाइट अगर आपने 15 वॉट की लगाई तो उसकी लाइट काफ़ी ब्राइट होती है। रात के टाइम पे आप टीवी देख रहे हो, आपको ब्राइट लाइट नहीं चाहिए, तो आप इस तरह की स्पॉट लगा सकते हो। तो उसकी जो लाइट है आपको एकदम सॉफ्ट लाइट देगी, जस्ट आपके रूम में एक एम्बियंस लाइट क्रिएट करेगी, एकदम सॉफ्ट लाइट। जैसे जनरली हम लोग होटल्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे कैसे लाइट एकदम सॉफ्ट होती है, जो आपको आँख पे नहीं लगती है, जो ज़्यादा ब्राइट नहीं होती है, एकदम डिफ्यूज लाइट होती है, एकदम डिम लाइट होती है, जो आपको जनरली अच्छी लगे। तो इसमें ये 3 वॉट की लाइट्स है। 3 वॉट्स में आपको काफ़ी कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, वाइट, ये सारे कलर इसमें ऑप्शन अवेलेबल है। आप कोई भी कलर ले सकते हो। इसमें आपको मल्टी कलर का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जो धीरे धीरे कलर चेंज करता है, उसकी भी मैंने वीडियो बना के रखी है मेरे चैनल पर, वो भी चेक कर सकते हो आप। तो इसमें आपको कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, ब्राइटनेस मिल जाएगा, और जनरली ये कॉर्नर्स वगैरह का यूज़ होती है। तो लाइट इसके आप देख सकते हो, इसके अंदर सेंटर में बल्ब दिया गया है, तो सेंटर में बल्ब है और सेंटर का पोर्शन भी इसका क्लियर है, तो इसका जो लाइट का थ्रो है सीधा डाउन आता है, एक स्पॉट क्रिएट करता है। तो अगर आपने कहीं पे भी लगाई है तो वो वहाँ पे एक स्पॉट क्रिएट करेगा, और हल्की सी लाइट आजू बाजू के एरिया में भी आपको मिलेगी। तो लाइट आपको थोड़ी सॉफ्ट लाइट मिलेगी और लाइट काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये थी 3 वॉट की, ये जनरली घरों के कॉर्नर्स वगैरह में लगती है। अगर आप टीवी यूनिट के ऊपर भी लगाना चाहते हो, टीवी यूनिट बड़ा बनाया है, जैसे 1 वॉट 3 वॉट, अगर वहाँ पे ऐसा लगता है आपको काफ़ी छोटी है, तो आप ये 3 वॉट के लिए भी जा सकते हो। जो टीवी यूनिट के ऊपर लगाओगे तो इसका एम्बियंस काफ़ी अच्छा आता है और लाइट भी काफ़ी अच्छी आती है। जैसे बड़ी साइज़ के घर हो गए तो वहाँ पे 1 वॉट 3 वॉट कम यूज़ होती है, क्योंकि लाइट उसकी कम पड़ती है, तो वहाँ पे 3 वॉट का यूज़ होता है। तो ये 3 वॉट है, आप ये देख सकते हो। इसके बाद की जो साइज़ आती है गाइस, वो है 6 वॉट। आप ये देख सकते हो, 6 वॉट की है। ये 6 वॉट के साथ ये ड्राइवर, इतना बड़ा ड्राइवर आता है, ये 6 वॉट का है। 6 वॉट जैसे साइज़ बढ़ती है, ड्राइवर की साइज़ भी बढ़ेगी और बॉडी की साइज़ भी बढ़ेगी, और अंदर जो बल्ब की साइज़ है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि जितना बड़ी लाइट्स होगी तो उसका जो स्पॉट है वो जनरली और ब्रॉड होता है। जैसे अभी आप एक छोटा देख रहे हो, इसका स्पॉट जो साइज़ में पड़ेगा उससे थोड़ा डबल साइज़ में इसका स्पॉट क्रिएट करेगा। तो आप ये देख सकते हो, ये 6 वॉट की स्पॉट लाइट है। ये 6 वॉट की स्पॉट लाइट भी जनरली कॉर्नर्स वगैरह में यूज़ होती है। काफ़ी घरों में पैनल लाइट यूज़ नहीं करते, उनको सिर्फ स्टूडियो लुक चाहिए। स्टूडियो लुक जैसे कि जस्ट एम्बियंस, होटल टाइप का जो एम्बियंस लुक होता है, स्पॉट लाइट जो एक एरिया क्रिएट करे। जैसे मैं आपको फोटो में भी दिखा रहा हूँ कि इस तरह की स्पॉट लाइट लगा दी, जनरली कॉर्नर्स वगैरह में लगाते हैं, तो उसकी जो लाइट्स है सेंटर में थोड़ी हल्की आती है, एकदम सॉफ्ट लाइट जैसी आती है, तो ये वहाँ पे यूज़ होती है। जनरली ये यूज़ बड़े बड़े शोरूम्स वगैरह में भी होती है। आप देख सकते हो, ज्वेलरी शोरूम में भी अगर आप जाओगे, ज्वेलरी के कोई भी शॉप में जाओगे, तो वहाँ पे इस तरह की स्पॉट लाइट होती है, जो वो जो गोल्ड है, सिल्वर है, तो उसके ऊपर कम्प्लीटली एकदम स्पॉट वो हाईलाइट करती है वो जो प्रोडक्ट है उसको। तो गोल्ड के अगर ऊपर येलो लाइट गिरेगी तो वो और चमकता है, अगर सिल्वर का है, डायमंड का है, तो उसके ऊपर व्हाइट लाइट लगाते हैं तो वो और भी शाइन करता है। तो उस तरह से ये स्पॉट लाइट का यूज़ होता है जनरली ज़्यादा करके शोरूम्स वगैरह में, और ज़्यादा करके तो बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में इस तरह का स्पॉट का यूज़ किया जाता है, जो एक स्टूडियो लाइट टाइप लुक देता है। तो 6 वॉट की लाइट घरों में थोड़ी कम लगती है, बहुत सारे जन लगाते भी हैं, अगर जो स्पॉट लाइट ही लगाते तो वो 6 वॉट की लाइट के लिए जाते हैं। 6 वॉट के बाद 9 वॉट आता है। 9 वॉट भी अगर आप लोगे तो 9 वॉट की साइज़ भी आपको सेम मिलेगी, सिर्फ इसके अंदर बल्ब चेंज होता है, बाकी साइज़ आपको सेम मिलती है 9 वॉट की। हल्की सी कोई कंपनीज होगी जो उसमें 9 वॉट की साइज़ काफ़ी बड़ी हो जाती है, बट स्टैंडर्ड 9 वॉट में आपको सेम साइज़ मिलेगी। आप देख सकते हो, कटिंग साइज़ अप्रॉक्सीमेट इसका 3 इंच का है, और जो 3 वॉट का है उसका जो कटिंग साइज़ है
टू इंच के आसपास का है, तो आप ये दोनों देख सकते हो। ये 3 वॉट और 6 वॉट, ज़्यादा अगर ये घरों में यूज़ ज़्यादा होती है। और इसके बाद की जो साइज़ है 9 वॉट, वो आपको सेम मिलेगी। उसके बाद जो एक बड़ी साइज़ आती है जो ज़्यादा यूज़ करते हैं, 12 वॉट एंड 16 वॉट, आप ये देख सकते हो। ये बड़ी स्पॉट है, इसमें आपको स्क्वायर राउंड, जितने भी मैंने आपको स्पॉटलाइट दिखाई सब में आपको स्क्वायर और राउंड शेप मिल जाएगी। अभी मैंने इसके जो छोटी साइज थी दोनों राउंड बताई, बड़ी साइज में आपको स्क्वायर बता रहा हूँ। स्क्वायर और राउंड दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, देख सकते हो मूविंग ऑप्शन दिया है। इसका इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, सारी आपको स्क्वायर राउंड मिल जाएगी, लेकिन सिर्फ ऊपर की बॉडी आपको स्क्वायर, बाकी अंदर की जो कटिंग होती है वो सबकी राउंड ही होती है। सी ओ बी स्पॉट में एक आपको मिलेगा, अंदर की जो कटिंग है आपको सारी राउंड मिलेगी। आप कटिंग आपको राउंड ही करना है, और जो ऊपर की बॉडीज़ में सिर्फ डिफरेंस आता है स्क्वायर राउंड का, तो वो चेंजेबल होता है, आप देख सकते हो। इस तरह का स्पॉट का घर में काफ़ी कम यूज़ होता है। अगर घर में अगर आपने कोई स्टूडियो बनाया है, स्टूडियो लुक दिया है, तो वहाँ पे इस तरह की ब्राइट लाइट होती है। और जनरली ये 16 वॉट इसलिए लगाते हैं कि जहाँ पे हाइट ज़्यादा होती है, जहाँ पे आपको 12 फीट से हाइट ज़्यादा है, 14 फीट, 15 फीट, 16 फीट, तो वहाँ पे इस तरह के बड़े स्पॉट लगाए जाते हैं जो नीचे तक प्रॉपर थ्रो आता है। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि होटल्स और शोरूम्स वगैरह में ज़्यादा यूज़ होते हैं, ज्वेलरी शोरूम में भी आपको ये सारे स्पॉट देखने मिल जाएंगे। जगह पे भी हाइट है तो इस तरह के स्पॉट से लाइट दी जाती है, जो नीचे फ्लोरिंग तक प्रॉपर लाइट आवे। और जैसे जैसे आप वोल्टेज ज़्यादा लोगे, जैसे जैसे साइज़ ज़्यादा लोगे, तो उसका जो स्पॉट जो होता है, जो लाइट थ्रो करता है, वो स्पॉट थोड़ा बढ़ जाता है। तो अगर आप 3 वॉट ले रहे हो तो आपको एक छोटा एंगल मिलेगा, उसके बाद अगर आप 6 वॉट ले रहे हो तो उससे थोड़ा बड़ा स्पॉट का आपको एंगल मिलेगा, और उससे बड़ी ले रहे हो तो उससे ज़्यादा स्पॉट का आपको एंगल मिलेगा। तो इस तरह से लाइट का इसमें डिफरेंस है। प्राइस की जो स्पॉट लाइट का और एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, इसकी स्पॉट लाइट जितनी आप दूर रखोगे उतना इसका स्पॉट जो एंगल होगा वो दूर बड़ा होते जाता है। जैसे अगर आपने 9 फीट पर लगाया तो 9 फीट से अगर ये एंगल से स्टार्ट हुआ तो नीचे आते आते इसका एंगल बढ़ जाता है, तो नीचे जो स्पॉट का जो एरिया है वो आपको थोड़ा बड़ा दिखेगा। तो उस हिसाब से आप जितनी भी स्पॉटलाइट बड़ी साइज ले रहे हो तो उसमें आपके एरिया के हिसाब से आप चूज़ कीजिए कि आपको कितने बड़ा स्पॉट चाहिए, उस हिसाब से अपनी लाइट आप चूज़ कर सकते हो। और सी ओ बी स्पॉट की एक गारंटी देख सकता हूँ कि रात के टाइम पे इसका एम्बियंस, इसकी जो लाइट है काफ़ी अट्रैक्टिव होती है, जो आपने होटल्स वगैरह में देखी है। तो आप अपने घर में भी प्लानिंग कीजिए, कहीं पे आप सी ओ बी लगा सके तो वो काफ़ी बेटर रहती है। डाउन लाइट एंड पैनल लाइट काफ़ी ब्राइट लाइट होती है, तो उससे अगर आपको कभी कभार उतनी ब्राइट लाइट नहीं चाहिए तो आप सी ओ बी स्पॉट के लिए भी जा सकते हो। इस वाइज अगर आप 3 वॉट की सी ओ बी लाइट ले रहे हो तो 3 वॉट की आपको अप्रोक्सीमेट 200 से 250-300 की रेंज में मिल जाती है। ये मैं नॉन ब्रांड की बात कर रहा हूँ, ब्रांड में जा रहे हो 300 प्लस में आपको मिलेगी, कोई भी ब्रांड में लेके जा रहे हो तो। ब्रांड में भी ज़्यादा कर बॉडी में डिफरेंस नहीं आता, ये नियर अबाउट सेम बॉडी आपको मिल जाएगी, 19-20 का फर्क हो सकता है। उसके बाद आपको 6 वॉट की बता रहा हूँ, ये आप 6 वॉट की देख रहे हो। 6 वॉट के अंदर आपको प्राइस रेंज जो आती है 300 से लेके 450 तक आती है। अगर वही अगर आप ब्रांड में जा रहे हो तो 450 प्लस में आपको सारी 6 वॉट की मिलेगी। हो सकता है किसी का 300, 400, 350, 400 में भी मिल जाए, बट जनरली ब्रांड में प्राइस थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। उसी तरह 16 वॉट की अगर आप लेने जा रहे हो तो 16 वॉट की अगर आप नॉर्मल नॉन ब्रांड में लेने जा रहे हो तो आपको अप्रोक्सीमेट 450 से 500 रुपये तक मिल जानी चाहिए। यही अगर आप ब्रांड में लेने जा रहे हो तो आपको अलग वोल्टेज मिल सकते हैं, 12 वॉट, 14 वॉट, 15 वॉट, और उसकी प्राइस रेंज अप्रोक्सीमेट 600 रुपीज़ से स्टार्ट होती है, तो आपको ये उसमें मिल जाएगी। इसमें जो बड़ी साइज़ है 6 वॉट तक आपको कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, वाइट, जो चाहिए उसमें मिल सकते हैं। इसके बाद अगर आप कोई बड़ी साइज़ ले रहे हो 9 वॉट, 10 वॉट, तो उसमें आपको सिर्फ येलो, वाइट और नेचुरल वाइट, ये 3 कलर ही ऑप्शन मिलते हैं, क्योंकि बड़ी साइज़ में बहुत कलर कम यूज़ करते हैं, तो इससे उसमें कलर ऑप्शन मिलते नहीं है। तो अगर आप छोटी साइज़ ले रहे हो तो अगर आपको कलर की चॉइस चाहिए तो आप छोटी साइज़ में कलर ले सकते हो, बड़ी साइज़ में आपको कलर मिलेंगे नहीं। तो इस तरह से स्पॉटलाइट यूज़ की जाती है। इसमें आपको काफ़ी अलग अलग बॉडीज़ के ऑप्शन मिल जाएंगे। पहले ऐसा था खाली वाइट बॉडी आपको मिलती थी, अभी इसमें आपको ब्लैक कलर, गोल्डन कलर, सिल्वर कलर काफ़ी ऑप्शन आ चुके हैं, जो रात के अगर आपका दिन के टाइम में स्पॉट बंद भी है तो आपकी सीलिंग में उसके बॉडी के कलर भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। अगर आपने 4-5 या लाइन से 5-6 लगाई है तो उसका इफेक्ट भी आपकी सीलिंग के साथ काफ़ी अच्छा आता है, तो वो भी आप देख सकते हो मार्केट में, वो भी अवेलेबल है। आप उसमें बॉडी के कलर कॉम्बिनेशन भी आप चूज़ कर सकते हो, अंदर के लाइट कलर भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो। बॉडी कलर जिसमें ज़्यादा आते हैं उसमें लाइट के कलर आपको ऑप्शन कम मिलेंगे, और बॉडी कलर के ऑप्शन जहाँ कम मिलेंगे वहाँ पे आपको लाइट के कलर ऑप्शन ज़्यादा मिलेंगे। तो आप ये सोच के रखिए, अगर आपको बॉडी कलर अच्छे चाहिए तो अंदर आपको कलर के ऑप्शन थोड़े कम मिलेंगे।
अभी तो अभी आपने देख ली है एलईडी स्पॉटलाइट। अगर पहले एलईडी स्पॉटलाइट नहीं थी तो लोग 50 वॉट का हैलोजन स्पॉट लगाते थे। अगर स्पॉटलाइट जैसा लुक चाहिए, जैसे अगर आप शोरूम्स वगैरह में देखा होगा पहले के टाइम पे, तो 50-50 वॉट के स्पॉटलाइट लगाते थे। अगर स्पॉटलाइट लुक चाहिए था तो 50 वॉट का एक स्पॉटलाइट होता तो जनरली ये साइज़ में होता था और एक टाइम में 50 वॉट की लाइट कंजम्पशन करता था वो। और उसके बावजूद भी अगर आप उसको 2 मिनट अगर आपने चालू रखा ना, तो वो इतनी हीट जनरेट करता था कि उसकी बॉडी को आप हाथ नहीं लगा सकते थे, उतना गर्म होता था और हीट भी काफ़ी जनरेट करता था। अगर वो एरिए में अगर आपने फ़ैन बंद रखा है तो आपका वो जो रूम का टेम्परेचर भी है काफ़ी हीट जैसा लगता था, तो काफ़ी गर्म स्पॉट होता था। तो उसकी रिप्लेसमेंट में अभी ये एलईडी स्पॉट आ चुके हैं, जो अगर आप 50 वॉट की लाइट कंपेयर करोगे तो अगर आपने 6 वॉट की लाइट लगाई उसके सामने तो उतनी लाइट देता है जितना 50 वॉट की लाइट देता था। तो एलईडी स्पॉट काफ़ी पावर सेवर है पहले के कंपेरिजन में। तो वो स्पॉट की रेंज जो थी वही रेंज में आपको एलईडी स्पॉट भी मिल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस इसमें आ चुके हैं और पावर काफ़ी आपका सेव करते हैं और लाइट काफ़ी अच्छी देते हैं, काफ़ी अच्छा स्पॉट और काफ़ी अच्छे कलर्स ऑप्शंस अवेलेबल है। ये अभी आपने देख लिया, मैंने आपको वीडियो में काफ़ी 3 वॉट के बारे में इन्फॉर्मेशन बताई, लेकिन 3 वॉट मैंने इसके पहले भी जो वीडियो बनाई है उसके अंदर 3 वॉट में मैंने आपको छोटी साइज़ बताई है। 3 वॉट में 2 साइज़ आती है, एकदम कॉम्पैक्ट साइज़ भी आती है और बड़ी साइज़। तो पहले वाले वीडियो में मैंने छोटी साइज़ आपके साथ शेयर की है, आज के वीडियो में मैंने आपके उसके साथ बड़ी साइज़ शेयर की है। तो छोटी साइज़ जो होती है उसमें जो लाइट का एंगल आता है थोड़ा स्मॉल आता है, साइज़ बढ़ने पे उसका एंगल थोड़ा और बड़ा हो जाता है। तो छोटे घरे होते हैं या जहाँ टीवी यूनिट वगैरह, तो वहाँ पे वो यूज़ की जाती है। अगर आपको लाइट का एंगल आपको बड़ा चाहिए, लाइट थोड़ी ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पे 3 वॉट का। तो ये भी मैं आपके साथ क्लियर कर दूँ, जैसे 3 वॉट आगे जो बताई वो छोटी साइज़ थी, अभी जो बता रहा हूँ मैं आपको बड़ी साइज़ है। तो ये थी आज की COB की इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसमें अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली सबके आंसर दूंगा। और आप देख सकते हो कि मैंने इसके पहले भी काफ़ी वीडियो बनाए हैं जिसमें मुझे व्यूज़ काफ़ी आते हैं, सब्सक्रिप्शन थोड़ा कम है। तो गाइज़ अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, तो मुझे थोड़ी हेल्प होगी मेरे, और भी मैं आपके साथ अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए, अलग अलग इन्फॉर्मेशन की अलग अलग वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहिए।